लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। सांगली जिले के आटपाड़ी तहसील के हितड़ गांव में कावड़ियों के पहाड़ के पास खंडेगर बस्ती में यात्री चरवाहों तथा वहां के स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ एक साथ एक बाड़े में बांधी गई थी। सुबह तड़के 3 बजे के करीब बड़ी संख्या में भेड़ियों ने चरवाहों के बाड़े पर हमला करके 60 से अधिक भेड़ों को मार डाला। ये बात तब सामने आई जब रात के 3 बजे चरवाहों की नींद खुली, तब चरवाहों को बाड़े में भेड़ नहीं दिखाई दी। तब आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर भेड़ों को ढूंढना शुरू किया तो घटनास्थल से लगभग 3 किलोमीटर तक मरी हुई भेड़ के शव बिखरे मिले और सभी भेड़ गायब थी। इस घटना की जानकारी वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारी को दे दी गई। इसके बाद अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का पंचनामा करना शुरू किया। अभी तक 60 से ज्यादा भेड़ों के शव बरामद किए गए हैं और 100 से ज्यादा भेड़ अभी भी गायब है। इस घटना से चरवाहों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त मुमताज जवेरी को दी दीजिए इजाजत। लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।